नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रेन में सीट के नाम पर टीटीई ने यात्री से रुपए वसूल लिए। बता देते हैं, टीटीई द्वारा यात्री से अवैध वसूली करते हुए किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो जीआरपी क्षेत्र बरेली का बताया जा रहा है। वही रिश्वत लेने का मामला नौचंदी एक्सप्रेस का है। नौचंदी एक्सप्रेस में सीट के लिए वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। यह वीडियो बरेली से मुरादाबाद के बीच का बताया जा रहा है। वही वीडियो नौचंदी एक्सप्रेस मुरादाबाद बरेली रूट से जाते समय ट्रेन के कोच नंबर B2 का है। कोच में किसी यात्री ने वसूली करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सोशल साइट एक्स पर वीडियो अपलोड करते हुए इसे विभाग के DRM को टैग कर शिकायत की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि TTE सीट दिलाने के नाम पर यात्रियों से पैसों की वसूली कर रहा है। साथ ही वह यात्री से यह भी पूछ रहा है कि आपको हापुड़ उतरना है या फिर मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। यात्री से रुपए लेने के बाद वह अपना टैबलेट दिखाते हुए बोल रहा है कि अब चार्ट वाला सिस्टम गया, आप आराम से सो जाएं। यात्री पूछता है कि रास्ते में कोई तो परेशान नहीं करेगा। इस पर टीटीई कहता है कि मेरी पूरी गारंटी है। वहीं यात्री फिर से कहता है कि जब तुम हो तो कोई चिंता नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जांच पड़ताल की गई है। वहीं वीडियो सही पाए जाने के बाद टीटीई को निलंबित कर दिया गया है। त्यौहारी सीजन में लोगों की भारी भीड़ ट्रेनों में सफर कर रही है। ट्रेनें फुल होने से यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है और सीट के जुगाड़ के लिए यात्री टीटीई से सेटिंग कर रहे हैं। वहीं यात्रियों की भारी भीड़ से ट्रेनों में टिकट जांच करने वाले टीटीई की मौज कट रही है। बता देते हैं, टीटीई यात्रियों से अवैध वसूली करके उन्हें सीट उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा ही मामला नौचंदी ट्रेन में सामने आया है। वहीं टीटीई का रिश्वत लेता हुआ वीडियो भी वायरल हो रहा है।